नमस्कार। एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप की ओर से दो दिवसीय संगीतोत्सव भीलवाड़ा सुर संगम में हम आप सबका स्वागत करते हैं। ये उत्सव भारत सरकार की पहल आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत सरकार की वो पहल है जो आज़ादी के 75 वर्ष भारत की विविध जनसंख्या, समृद्ध संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को मनाती है। इस वर्ष का ये उत्सव भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय, सभ्यता फाउंडेशन और डालमिया भारत के सहयोग से आयोजित किया गया है। अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज अडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट, द डालमिया भारत ग्रुप वॉज फॉर्चुनेट टू बी अवार्डेड द वर्क फॉर मेंटेनेंस एंड अपकीप एंड डू ऑल दैट इज पॉसिबल टू मेक द आइकॉनिक रेड फोर्ट मोर टूरिस्ट वर्दी। उद्देश्य है कि लाल किला कला और संस्कृति का, हमारी धरोहर का केंद्र बिंदु बनकर उभरे। यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए लेज़र शोज, वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से लाल किले के समक्ष आपकी अपनी विविध सांस्कृतिक धरोहर आपके सम्मुख हम प्रस्तुत करें। श्री पुनीत डालमिया ऑफ डालमिया भारत फाउंडेड द सभ्यता फाउंडेशन विद लाइक माइंडेड इंडस्ट्रियल ग्रुप्स लाइक एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप फॉर डेवलपिंग दिस मॉन्यूमेंटल एंड हिस्टोरिक रेड फोर्ट। अपने उद्देश्य को एक साकार स्वरूप देते हुए 25 मार्च से 2 अप्रैल तक ऐतिहासिक लाल किले में इस भव्य उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें सुबह 11 बजे से रात 10 बजे तक भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाते खास तौर से आपके लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी के तहत 1 और 2 अप्रैल को, यानी आज और कल, एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप के 2 दिवसीय संगीतोत्सव भीलवाड़ा सुर संगम का आयोजन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य है अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर पर गर्व महसूस करते हुए उसे नई पीढ़ी तक ले जाना। भीलवाड़ा सुर संगम की शुरुआत वर्ष 2012 में हुई थी, जिसमें देश के जाने माने कलाकार भाग लेते रहे हैं। इनमें कुछ हैं पंडित जसराज, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, उस्ताद राशिद खां, पंडित उल्हास कशालकर, गाना सरस्वती श्रीमती किशोरी अमोनकर, डॉक्टर एन राजम, पंडित अजोय और कौशिकी चक्रवर्ती, उस्ताद शुजात खां, पंडित शिव कुमार शर्मा इत्यादि। इस उत्सव को आरंभ हुए अभी कुछ ही वर्ष हुए हैं, पर आज इसकी गणना देश के प्रतिष्ठित समारोहों में की जाती है, जिसमें कलाकार भाग लेने के लिए उतने ही उत्सुक होते हैं जितना कि उन्हें सुनने के लिए हम सब। इसकी सफलता के पीछे योगदान है ग्रुप के चेयरमैन श्री रवि झुनझुनवाला का और उनकी पत्नी श्रीमती रीता झुनझुनवाला का, जो स्वयं एक संवेदनशील कलाकार हैं। 2 वर्षों तक कोविड की वजह से हमारे उत्सव नहीं हो पाया, पर अब जब स्थिति सुधर चुकी है, एक नए जोश से, एक नए उत्साह के साथ आप तक हम ये संगीतोत्सव भव्य और ऐतिहासिक लाल किले के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आरंभ में दीप प्रज्वलन के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमती सुनंदा सिंघानिया, एलएनजे भीलवाड़ा ग्रुप के चेयरमैन श्री रवि झुनझुनवाला, सुश्री सुमेना डालमिया, श्रीकांत सोमानी जी और अनुपमा डालमिया जी को। उस्ताद शाहिद परवेज खां की गणना इटावा घराने तथा भारत के श्रेष्ठतम सितार वादकों में की जाती है। आप अपने घराने की 7वीं पुश्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने संगीत में प्रारंभिक शिक्षा अपने पिता उस्ताद अजीज खां से और फिर अपने दादा सुरबहार और सितार के सुविख्यात कलाकार उस्ताद वहीद खां से प्राप्त की, जिन्होंने आपके वादन में गायकी अंग की प्रस्तुति की नींव रखी। फिर आपके गुरु रहे उस्ताद हाफिज खां।
साथ ही आपने तबला वादन में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया है। लयकारी और तंत्रकारी पर आप पूर्ण अधिकार रखते हैं। आपका संगीत सदा नवीन लगता है क्योंकि वो मौलिक है। उस्ताद शाहिद परवेज़'s म्यूजिक इज बोथ नॉवल एंड इवॉल्विंग। द पावर ऑफ हिज म्यूजिक एमिनेट्स फ्रॉम द हाईली चार्ज साउंड विच ही कंजर्स ऑन स्टेज। He emphasizes the unique capabilities of the sitar itself while drawing upon numerous musical influences easily recognizable to the knowing ear. He has achieved success not only by preserving tradition but also pushing the boundaries to even greater heights. Ustad Shahid Parvez Khan ko desh ke pratishthit samarohon mein apni kala prastut karne ke liye aamantrit kiya gaya hai jahan उन्होंने हमेशा रसिकों को मंत्रमुग्ध किया है। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख है प्रतिष्ठित पद्मश्री, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और कुमार गंधर्व सम्मान इत्यादि। पंडित रोनू मजुमदार इज वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड नेम इन द इंडियन फ्लूट प्लेइंग ऑफ दिस एरा। He has evolved a unique style of rendering the rag, which has good mixture of Dhrupad Gayaki with Laykari. Pandit Ronu Majumdar mein Bansuri ko yuvaon mein lokapriya banane mein aham bhumika nibhai hai. Aapne Bansuri mein prarambhik shiksha apne pita Dr. Bhanu Majumdar, swargiya Pandit Lakshman Prasad Jaipur wale aur phir Pandit Vijay Raghav Rao se prapt ki. आपको अपने दादा गुरु पंडित रविशंकर से भी मार्गदर्शन मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रोनू जी हैज क्रिएटेड एन एनवियबल नीश फॉर हिमसेल्फ इन द फील्ड ऑफ कंटेम्प्रेरी पॉपुलर म्यूजिक व्हिच इज एग्जेम्प्लीफाइड इन हिज ग्रैमी नॉमिनेशन इन 1996। ही हैज कंपोज्ड म्यूजिक फॉर इंडियाज फर्स्ट आईमैक्स फिल्म मिस्टिक इंडिया। आपने 5,378 बांसुरी वादकों को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग की छत्र छाया में वेणुनाद प्रस्तुत किया, जिसके लिए आपका नाम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है। आपने एक ऐप भी डेवलप किया है, रोनू मजुमदार फ्लूट, जो विंडोज और iOS पर उपलब्ध है। फिल्म्स डिवीजन ने आप पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका शीर्षक है बांसुरी वाला। संगीत के क्षेत्र में योगदान के लिए आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख है आदित्य विक्रम बिरला अवार्ड, सहारा इंडिया का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, राष्ट्रीय कुमार गंधर्व अवार्ड इत्यादि। सारंगी पर हैं श्री साबिर सुल्तान खां। आप ख्याति प्राप्त सारंगी वादक और गायक पद्म भूषण से अलंकृत उस्ताद सुल्तान खां के सुपुत्र हैं। आप सीकर घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं और अपने परिवार की सारंगी वादकों की नौवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपने अनेक फिल्मों में भी बजाया है, जिनमें कुछ हैं दंगल, जोधा अकबर, रंगून, चक दे इंडिया, लाल सिंह चड्ढा इत्यादि। आपने द डार्क साइड ऑफ लाइफ, मुंबई सिटी, डायरेक्ट इश्क जैसे फिल्मों के लिए संगीत रचना भी की है। आपको अन्य पुरस्कारों सहित राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तबले पर हैं उस्ताद अकरम खां। आप मेरठ अजराड़ा घराने के सुविख्यात तबला नवाज हैं। आप उस्ताद हशमत अली खां के सुपुत्र हैं और अपने परिवार की सातवीं पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप आकाशवाणी के टॉप ग्रेड और ICCR के आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट हैं। आप एकल कलाकार और अपने संगीत की अनेक मूर्धन्य विभूतियों के साथ विश्व के प्रतिष्ठित समारोह में भाग लिया है। तबले पर भी हैं श्री अनुव्रत चैटर्जी। आप सुविख्यात तबला वादक पंडित आनिंदो चैटर्जी के सुपुत्र हैं और फरुखाबाद घराने के साथ साथ आपने लखनऊ और अजराड़ा घराने के तबला वादन में भी महारत हासिल की है। आप एकल कलाकार तो हैं ही, आपने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विख्यात कलाकारों के साथ संगत की है। ही हैज़ ऑल्सो बीन अ पार्ट ऑफ वेरियस फ्यूजन बैंड्स एंड हैज़ हिज ओन बैंड एज वेल। आपको अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें प्रमुख हैं बसवराज राजगुरु अवार्ड और संगीत नाटक अकेडमी का प्रतिष्ठित उस्ताद बिस्मिल्ला खां युवा पुरस्कार। लेडीज एंड जेंटलमैन, तिगलबंदी।
Thank you.
Thank you.